लोकसभा चुनाव के लिए छठे चरण की वोटिंग से ठीक पहले यूपी में सियासी दलों के बीच जुबानी जंग और तीखी होती जा रही है। आज एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी की जाति पर सवाल उठाया गया। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने कहा कि पीएम मोदी राजनीतिक स्वार्थ के लिए जबरदस्ती पिछड़ी जाति के बने हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने पीएम मोदी की जाति पर फिर बोला हमला। लखनऊ में मायावती ने कहा पीएम मोदी जन्म से पिछड़े वर्ग के नहीं है। आज मायावती ने आरोप लगाया कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्रधानमंत्री पिछड़े बने हैं। बीजेपी ने मायावती के बयान को हताशा भरा बयान करार दिया है। मायावती ने कहा है कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए पीएम ने जातिवाद का जिक्र किया, महागठबंधन पर गलत आरोप लगाए। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा दलित और पिछड़े मोदी जी के साथ खड़े हैं, मायावती जी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। आखिरी दो रण से पहले पीएम मोदी की जाति पर फिर सियासी लड़ाई शुरू हो गई है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी पिछड़ा बनकर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने जातिवाद का दंश नहीं झेला है। ऐसा पहली बार नहीं है जब मायावती ने पीएम मोदी की जाति को लेकर सवाल उठाए हैं। 27 अप्रैल को मायावती ने आरोप लगाया था कि गुजरात में अपनी सरकार के दौरान मोदी ने अपनी अगड़ी जाति को पिछली जाति में शामिल करवा दिया था। श्री नरेंद्र मोदी जन्म से ओबीसी नहीं है, इसलिए इन्होंने जातिवाद का दंश अर्थात उत्पीड़न आदि नहीं झेला। श्री मोदी अपने को जबरदस्ती पिछड़ा बताकर जातिवाद का खुलकर राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं, ये भी सबको मालूम है। मायावती जी को और अखिलेश यादव जी को लग रहा है कि जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, दलित समाज के लोग हैं, जो कमजोर हैं, वो सब मोदी जी के साथ खड़े हैं, इसलिए इस तरह का बयान मोदी जी पर दिया जा रहा है।